हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अभी तक हमने टॉपिक्स किए हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंस हैं जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे अकाउंट सेक्शन का जो अकाउंटिंग का हमने अभी तक जो भी ये सिलेबस में से टॉपिक किया है वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट इस टर्म्स किया है अकाउंटिंग इक्वेशन किया है वॉचर uh, अप्रोच इन रूल्स फॉर जर्नल जर्नलाइजिंग एंड जर्नल और इतना ही किया है तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस से रिलेट करता है इसमें क्या चीज़ होता है ये हमने पढ़ा है सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में हमने जो ब्रांच थे उसमें पढ़ा था तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट ऑप्शन है इस एक क्लारिकल वॉक क्लरिकल वॉक सेकेंड ऑप्शन है इस अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर थर्ड है इस ए रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन और फोर्थ uh, है an तो इस एन एनालाइस ऑफ पास्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा आप आंसर uh, करें अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आपको आसानी से आ जाएगा इसका आंसर तो आप आंसर करें वीडियो को स्टॉप करके आप पहले आंसर करें फिर इसके बाद यहाँ पे आंसर देख लेना तो इसका आंसर कौन सा होगा इसका आंसर होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ये है सी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का वो क्या है तो इसका ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंडमेंट ऑफ एसेडमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस यह हमारा सेकंड ऑप्शन है थर्ड uh, ऑप्शन हमारा दिया एनालिसिस एनालिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा था और फोर्थ हमारा दिया है बोथ ए एंड बी तो इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा आप पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए फिर आंसर कमेंट बॉक्स में करने के बाद फिर आंसर आके यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा फिर इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टू का तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ इन जो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग जो है वो किसका बना होता है मेड ऑफ किस चीज का रिकॉर्डिंग होता है अकाउंट्स में तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फाइनेंशियल एंड ट्रांजेक्शन सेकेंड ऑप्शन है ओनली फाइनेंशियल ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और थर्ड ऑप्शन है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द दाइटर्स तो इसका सही आंसर कौन सा होगा अगर आपने वीडियो देखा तो आपको एकदम सा आंसर आ जाएगा तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना वीडियो को स्टॉप करके तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कौन सा होगा फिर जो अकाउंट्स रिकॉर्डिंग हो उसमें क्या होता है ओनली फाइनेंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही होता है तो आंसर नंबर फर्स्ट ए पार्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट जो है वो आंसर होगा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ आगे बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का लिमिटेशन कौन सा नहीं है इसमें से पहले तो इविडेंस इन लीगल मैटर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बेस ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन लेक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इसमें से कौन सा वाला लिमिटेशन नहीं है नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग हाँ हमने वो uh, इसमें पढ़ा था लिमिटेशन एम्स uh, जो हमने वो टॉपिक किया था उसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग और जो बुक कीपिंग के हमने लिमिटेशन एम्स ऑब्जेक्टिव वहां पे किए थे इस उसमें इसके बारे में हमने पढ़ा था तो इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कौन सा होगा फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर होगा ए पार्ट एविडेंस इन लीगल मैटर्स तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बुक कीपिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था बुक कीपिंग इंग्लैंड फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है अमेरिका थर्ड ऑप्शन है इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन है इटली तो बुक कीपिंग कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था <coughs> आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है तो आपको इसका भी आंसर एकदम से आ जाएगा वहाँ पर मैंने बताया था कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस कहाँ किया था कोई जगह बताया था तो हो आप लोगों ने आंसर किया होगा तो इसका सही आंसर कौन सा होगा फिर इसका सही आंसर होगा इटली क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का डी पार्ट जो है इटली वो आंसर होगा बुक कीपिंग जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे इटली में तो इसके बाद तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सिक्स हु इन्वेंट द डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम को किसने इन्वेंट किया था तो ये अगर आप लोगों ने हम वीडियो देखा होगा तो ये भी हमने पढ़ा है वीडियोज में तो इसका सही आंसर कौन सा होगा पहले ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार्शल है दूसरा है केरल पर्सन है थर्ड जो ऑप्शन है जे आर बेटेलोबिया है बोया है और ऑप्शन नंबर डी है लुकस पैक्यूलो तो इसका आंसर कौन सा होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी और आगे बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स था ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है गुड्स मीन गुड्स का मतलब क्या है कॉमोडिटी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कॉमोडिटी टू ब्रॉड एंड सोल्ड कॉमोडिटी टू बी यूज कॉमोडिटी टू बी ब्रॉड बट नॉट टू बी सोल्ड या फोर्थ ऑप्शन है निस इस सब में से कौन सा आंसर होगा आपका आंसर कीजिए आप वीडियो को स्टॉप करके गुड मीन्स गुड मतलब क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है तो हो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का ए पार्ट जो है वो सही आंसर होगा कॉमोडिटी टू बी ब्रॉड एंड सॉल्ड ये क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आंसर होगा तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या बोलता है अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग इज साइंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड एन आर्ट ऑप्शन नंबर थर्ड एन आर्ट एंड साइंस बोथ या ऑप्शन नंबर डी ऑफ दिस इसमें से कौन सा आंसर होगा अगर आप लोगों ने क्लास वीडियोस देखें तो आपको इसका भी आंसर आ जाएगा हमने ये पढ़ा है वहां पर तो अकाउंटिंग क्या होता है अकाउंटिंग ऑप्शन नंबर कौन सा सही है फिर होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा अकाउंटिंग इस ऑप्शन नंबर सी इस

गुडविल थर्ड है स्टॉक फोर्थ है बिल्डिंग तो इनमें से कौन सा टेंजेबल एसेट नहीं है तो सही आंसर कौन सा होगा वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर कमेंट करना फिर क्वेश्चन नंबर नाइन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुडविल और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टेन ट्रेड डिस्काउंट इस ट्रेड डिस्काउंट क्या होता discount, uh, है ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन नंबर वन है अलाउ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट अलाओ एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड बोथ ए एंड बी एंड अलाउड इन ऑल द केसेस ये हमने कल ही के जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें किया था जहाँ पे हमने ट्रेड के बारे में ट्रेड डिस्काउंट और जो ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये इस चीज़ के बारे में पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट इज़ कहाँ पे एलाो किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को क्वेश्चन नंबर टेन का कौन सा सही आंसर होगा फिर of of good. Good एलो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड जब गुड को सेल करते हैं उस वक्त एलो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन इसके बाद क्वेश्चन नंबर एलेवन केश डिस्काउंट इस कैश डिस्काउंट क्या होता है आप वो तो ट्रेड डिस्काउंट था अब केश डिस्काउंट क्या होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एलो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड से कौन सा सही आंसर होगा क्वेश्चन का वीडियो को स्टॉप करके आप आंसर कर दीजिए तो सही आंसर कौन सा होगा फिर अगर आपने वीडियो देखा तो आपको इसका भी आंसर आसानी से आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर अलेवन का सही आंसर होगा हमारा रिसिविंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑप्शन नंबर बी जब रिसीव करते हैं रिसिविंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट उस वक्त हमें क्या मिलता है कैश डिस्काउंट मिलता है तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टूएल्व बिल्डिंग अकाउंट इस रिलेटेड टू बिल्डिंग अकाउंट किस से रिलेट करता है तो इस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दिस ये भी हमने पढ़ा है तो इसका सही आंसर कौन सा होगा वीडियो को स्टॉप करके आप आंसर कर दीजिए तो बिल्डिंग अकाउंट हो बाब लोगों ने आंसर कर दिया होगा तो बिल्डिंग अकाउंट किस से रिलेटेड करता है आप तो लोगों ने आंसर कर दिया होगा रियल अकाउंट से हमने पहले भी पढ़ा था ये रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में तो इसमें जो बिल्डिंग अकाउंट आता है ये किस में आता है फिर पर्सनल अकाउंट में ये सॉरी रियल अकाउंट में आता है रियल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर तो इसके बाद आगे बढ़ते चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टीन की बात करें तो लेबलिटीज लेबल क्वेश्चन नंबर थर्टीन में है लेबलिटी इंक्रीज बाय लेबलिटी इंक्रीज बाय किस तरह इंक्रीज होता है परचेज गुड ऑन क्रेडिट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक या ऑप्शन नंबर सी थर्ड रेंट ड्यू या ऑल ऑफ दिस इसमें से कौन सा uh, सही आंसर होगा लेबलिटी ये, ये भी हमने पढ़ा है तो लेबिलिटी इंक्रीज बाय होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस तो इसके बाद चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर फोर्टीन क्या बोलते हैं कैपिटल इंक्रीज बाय अब पहले लेबलिटी था अब ये कैपिटल है कैपिटल इंक्रीज बाय ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑप्शन नंबर सेकंड सेलिंग गुड एट प्रॉफिट ऑप्शन नंबर थर्ड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या डी आल ऑफ दिस इसमें से कौन सा सही आंसर होगा तो वीडियो को स्टॉप करके आप आंसर करेंगे तो इसका कौन सा सही आंसर होगा अगर आपने वीडियो देखा तो इसका ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का क्या होगा डी जो है वो सही आंसर होगा इसके बाद आ, आता है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की और जर्नल इज ए बुक ऑफ जर्नल ये भी पढ़ा है हमने तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है और एंट्री फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सेकेंडरी इंट्री एंट्री थर्ड ऑप्शन ऑल केश ट्रांजेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल नॉन केश ट्रांजेक्शन इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सही आंसर कौन सा होगा वीडियो को स्टॉप करके आप इसमें से ये ऑप्शन मार्क कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जर्नल इस बुक ऑफ ये हमने पढ़ा है तो इसका ऑप्शन होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा तो इसका आंसर होगा है. ओरिजिनल एंट्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का ए पार्ट है जो होगा वो आंसर होगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का क्या है लेजर इज अ बुक ऑफ ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये भी हमने पढ़ा है ऑरिजिनल एंट्री ऑप्शन नंबर सेकंड सेकेंडरी एंट्री एंट्री क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑल केश ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑल नॉन केश ट्रांजेक्शन तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके फिर आंसर कर देना तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का सही आंसर क्या होगा फिर ये yes. ऑप्शन नंबर सेकंड होगा सेकेंडरी इंट्री लेजर इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी इंट्री चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 17 क्या बोलते हैं डेबिट मींस डेबिट मतलब तो इसका ऑप्शन क्या ए पार्ट है एन इंक्रीज इन लेबलिटी बी पार्ट है ए डिक्रीज इन एसेट सी पार्ट एन इंक्रीज इन प्रोपोरेटर इंटिटी और फोर्थ पार्ट है हमारा एन इंक्रीज इन एसिड तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का क्वेश्चन नंबर सेवन अब होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा तो इसका आंसर कौन सा होगा फिर इसका होगा एन इंक्रीज इन एसेट डेबिट मतलब क्या होता है फिर डेबिट मतलब होता है एन इंक्रीज इन एसेट इसका क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का कौन सा सही आंसर होगा फिर डी पार्ट जो है वो सही आंसर होगा फिर इसके बाद चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन क्रेडिट मीनस क्रेडिट मीन्स क्या होता है एन इंक्रीज इन एसिड एन इंक्रीज इन लेवल्टी या ऑप्शन नंबर फोर थर्ड ए डिक्रीज इन लेवल्टी ऑप्शन नंबर फोर्थ ए इंक्रीज इन प्रोपर इन इक्विटी तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा होप uh, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा तो क्रेडिट मीन्स कौन सा इसमें से ऑप्शन आप चॉइस करना वीडियो को स्टॉप करके आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना तो इसका क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर क्या होगा एन इंक्रीज इन लेबलिटी होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एटीन क्रेडिट मीन्स एन इंक्रीज इन लेबलिटी इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इस करेक्ट इसमें से कौन सा सही है फर्स्ट है एसेट इजकल टू लेबल्टी माइनस कैपिटल सेकेंड ऑप्शन है एस एल टी एसेट्स टू कैपिटल माइनस लेबल्टी थर्ड ऑप्शन है एसेट इजकल टू लेबल्टीज प्लस कैपिटल और फोर्थ ऑप्शन है इज इक्वल टू इंटरनल इक्विटीज तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये हमने पढ़ा है जो इक्वेशन किया था हमने उसमें पढ़ा था तो वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट कर देना ठीक है फिर अब इसका सही आंसर कौन सा होगा फिर क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कौन सा होगा फिर इसका सही आंसर होगा एसिड इजकल टू लेबल्टी प्लस लेबल्टी प्लस कौन सा होगा कैपिटल होगा तो इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट कौन सा होता है नॉन करंट एसेट इसमें ऑप्शन दिया गया ये ब्लैक में आपको नजर नहीं आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन है बिल्डिंग सेकंड ऑप्शन है स्टॉक थर्ड ऑप्शन है डिबेटर फोर्थ ऑप्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये लास्ट क्वेश्चन है तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका जो फर्स्ट है बिल्डिंग बिल्डिंग से ही आंसर होगा तो ये है कुछ क्वेश्चन होप होप आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइव सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर